का बिक्री होता, जब सदिया पूरा लाना वाना बंद होता, शादी ब्याह का नहीं उतना होता, तो हम लोग को बिक्री कहाँ से हुई। भगवान का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है तो माला कहाँ जाएगा। ना कुछ कमाई हुई है ना लागत निकल पाया, बेरोजगारी वाली काम हो रही है। कोरोना ना आई रहा तो बड़ा बढ़िया चलत रहा, कम से कम ताव से बिक तो जात रहा। चोरी लुक्का हम लोग बेच रहे हैं तब वो पुलिस कोने अतरे खोज के मार रहा है, भाग जा रहे हैं हम लोग। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा चढ़ गया है। फूल मंडी को हटा के बाकी सब जगह तो छूट दे रखी थी, फूल मंडी पे नहीं दिया था। क्या सब्जी बोने वाले किसान हैं तो क्या ये फूल बोने वाले किसान नहीं है? कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है 80% नुकसान है, 20% वही घर पे जो पहले का बैलेंस बचा है वही निकाल निकाल के खा रहे हैं। बहुत मुसीबत से ज़िंदगी कट रही है। हम लोग दिहाड़ी वाले हैं, जैसे रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। कारोबार बस बेकार बा, एकदम टोटल ना चलत है। देख ला सब माल साल पड़ल बा, साल भर तो हम लोग कर्जा काट का भी एगो कर्जा दिया ना तो सगो कर्जा लद गए। सरकारी मंडी बनारस में बा ना ही एक को, हमने के सरकारी रही तो इतना पैसा ना देवे, गरीब दुखिया जइयन कहाँ। कितना पहले कमाई हो जात रहा, पहले हो जात रहा जन 1000-2000 हो जात रहा, अब तब पुलिसो डंडा मारा था, कहाँ से आदमी कमाई कहाँ से खाई। आधा आदमी तो भूखल मर जइहन बिना खैले। कोरोना ना आई रहा तो बड़ा बढ़िया चलत रहा, कम से कम ताव से बिक तो जात रहा। कोरोना निकल गल ना तो समझ ले कि आदमी का पोजीशन बराबर हो जाए, लेकिन निकलबा ना करी। आदमी अब ऐसा ही परेशान रही है, और जे लगैले है ना वो खुद परेशान है कि हम कहिया निकाल देंगे। नहीं बिकेगा फेंक देंगे, उसके बाद फिर ताज़ा तोड़ के ले आएंगे, लाएंगे तो 200-300 के बिक जाएगा तो अपना परिवार चलाएगा, आया तो अथवा भूखा रह जाएंगे हम लोग। कारोबार की स्थिति तो बड़ी दयनीय हो गई है, किसानों को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना माला फूल लेके कहाँ जाएं, क्योंकि प्रशासन ने तो मंडी समितियों में से फूल मंडी को हटा के बाकी सब जगह तो छूट दे रखी थी, फूल मंडी पे नहीं दिया था। क्या सब्जी बोने वाले किसान हैं तो क्या ये फूल बोने वाले किसान नहीं हैं? लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं थी, लाठी डंडा खा खा करके अपना काम चला रहे थे। 2 बजे रात में आ रहे हैं, सुबह 4 बजे भोर में आ रहे हैं, चोरी छुपे अपना माल बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग अपने जीवन यापन के लिए एकदम इतने तकलीफ में आ चुके थे कि मजबूरी में हमको भी मंडी कहीं ना कहीं से प्रशासन के सहयोग से खुलवाना पड़ा था। वैसे धीरे धीरे स्थितियाँ तो सुधार पर आ रही हैं, लेकिन जैसा लगन में जितना लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था उसका वो आधा कभी कम पूरा नहीं कर पाया। मंदिर में लोग जा नहीं रहे दर्शन करने तो कोई माला खरीद नहीं रहा, इसकी वजह से एक मार और पड़ी कि जो एक बड़ी खींच होती थी पूजा पाठ में वो भी बंद हो गया। इसकी वजह से कई बार तो ऐसी परिस्थितियां बनी कि जिसमें कि माला लोग फेंक कर ही गए। मंदिर खुलने का टाइम इस समय बंद है, कब खुलेगा भगवती जाने। जब तक ये खुला था तो सही गाड़ी चल रहा था, और जब बंद है तब से और स्थिति खराब है। देखिए आप 10 मिनट तक रहेंगे यहाँ, देख लीजिएगा एक भी दर्शनार्थी नहीं आएंगे यहाँ से, दर्शन करने वाले नहीं आएंगे। जो भी आ रहे हैं चलते फिरते दंडवत करके निकल जा रहे हैं। जैसे ये गुलाब की माला है तो ये 10 रुपये की आएगी तो 12-15 बेचेंगे, 5 रुपये लगाएंगे, क्या करेंगे भैया, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं।